दोस्तों ये है स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 6, जिसके 5 चैप्टर में पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पे क्लिक करके देख लीजिए। तो चैप्टर 6 की शुरुआत होती है 3 हफ्तों बाद स्वामी और मनी राजम के घर पर जा रहे होते हैं। राजम ने उन्हें इन्वाइट किया है अपने घर पर, यह कहकर कि उन दोनों के लिए कुछ सरप्राइज रखा है उसने। रास्ते में वो दोनों सोमू, शंकर और मटर से जो उनकी लड़ाई हुई थी उसी की बात करते हुए जाते हैं। जब ये दोनों राजम के घर पहुंचते हैं तो राजम उन दोनों को देख लेता है और उन्हें देख करके वापस अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं, ब्लाइंड किटन और ब्लाइंड पपी बनकर, यानी अंधा कुत्ता और अंधी बिल्ली बनकर, तो इन दोनों की आंखें बंद होती है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सोमू, शंकर और मटर तीनों वहीं पर राजम के घर पर पहले से बैठे हुए हैं। ये देख करके मनी राजम पे गुस्सा हो जाता है कि हम तो यहां से जा रहे हैं। राजम उन दोनों को रोक लेता है और उन सबको स्नैक्स खाने के लिए देता है। जब वो सब स्नैक्स खा लेते हैं तो फिर एंड में राजम दोस्ती के ऊपर उन सबको एक लंबा सा लेक्चर देता है कि दोस्ती की क्या वैल्यू है जिंदगी में और अगर हम दुश्मन बन गए तो कितना बुरा हो सकता है। और उन सबको कसम खाने के लिए बोलता है कि वो आज के बाद एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उन्हें अपने खिलौने देगा। मतलब राजम यहाँ पे उन सभी दोस्तों को अपने टॉयज ऑफर करता है। तो ये जो मटर है, ये सैमुअल, ये सबसे पहले जाता है राजम के गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। मटर तो लेता है फाउंटेन पेन, सोमू लेता है बेल्ट, मनी एक नाइफ ले लेता है और शंकर एक नोटबुक ले लेता है और स्वामी एक ग्रीन कलर का इंजन। और इसी के साथ साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है।